अचानक से सब लोग पवन सिंह के पीछे पड़ गए और पवन सिंह की बढ़ गई मुश्किलें। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार, इसी के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, अचानक से अक्षरा सिंह के पिताजी पवन सिंह को लेकर अनाप शनाप का बयान देने लगे मीडिया में, जो कि अक्षरा सिंह और पवन सिंह का विवाद खत्म हो चुका है, फिर भी पवन सिंह को लेकर उल्टा बयान दे दिए हैं मीडिया में अक्षरा सिंह के पिता। घंटा पावर स्टार नामर दिस डेट बयान दिए हैं मीडिया में। फिर उसके दो तीन दिन बाद ज्योति सिंह का इंटरव्यू आता है, जो कि ज्योति सिंह ने एक बहुत ही बड़ा बयान दे देती है मीडिया में कि अक्षरा सिंह के पेट में 3 महीने का पवन सिंह का बच्चा था। और यहाँ पे हो जाता है अक्षरा सिंह के पिता का मुंह ब्लैक, यानी मुंह काला हो जाता है, यानी ज्योति सिंह के ही थ्रू इनको जवाब मिल जाता है कि पवन सिंह मर्द हैं या ना मर्द हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं ज्योति सिंह की तरफ। इस समय ज्योति सिंह बहुत ज्यादा मीडिया में इंटरव्यू दे रही है, यानी अब ज्योति सिंह रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, हर रोज नया नया खुलासा कर रही है पवन सिंह को लेकर। हमने भी ज्योति सिंह का आज बहुत सारा इंटरव्यू देखा है, सुना है, पवन सिंह में बहुत सारी गलतियां हैं जो कि पवन सिंह को सुधार करने की जरूरत है। और कुल मिला जुला कर पवन सिंह और ज्योति सिंह का यही कहानी है, एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, इसी वजह से इन दोनों लोगों का मैटर जो है कोर्ट में पहुंच गया है। यानी एक दूसरे पे शक करना और इसका इलाज कहीं पे नहीं होता है, सिर्फ कोर्ट में होता है। अब बात रही कि इन दोनों का मैटर जब कोर्ट में है तो मीडिया में बयान देने की क्या जरूरत है। देखिए, स्वतंत्र भारत है, अपनी बात को सब लोग रख सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे बड़ा वजह यह है, लोकसभा का चुनाव आने वाला है और लोकसभा का चुनाव पवन सिंह लड़ने वाले भी हैं। और इसी वजह से इस समय ज्योति सिंह बहुत ज्यादा तांडव मचा रही हैं, मीडिया में आकर इंटरव्यू दे रही हैं। नहीं तो सब लोग शांत था, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ये लोग पूरी तरह से पीछे पड़ चुके हैं, चाहे अक्षरा सिंह के पिता हो या ज्योति सिंह हो। हाँ, तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा, तभी आप लोगों को पूरी बात समझ में आएगी। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।